स्वदेशी जागरण मंच कुरुक्षेत्र द्वारा आज विश्व जागृति कार्यक्रम अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत गीता द्वार पिपली से की गई। आज के जन जागरण अभियान का उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक लोग कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाए और जिससे आम जन इस वैश्विक बीमारी कोरोना से बच सके। इस बारे में डॉक्टर जाटियान ने बताया कि कोरोना महामारी का एक ही इलाज है और वह है वैक्सीन। वैक्सीन बनाने की इजाजत ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को मिलनी चाहिए ताकि इसका लाभ आम जन को जल्दी मिल सके। ये अभियान पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। आज कुरुक्षेत्र में भी दर्जनों जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला मुख्य कार्यक्रम गीता द्वार पिपली चौक पर किया गया जिसमें सभी स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दूसरा कार्यक्रम सेक्टर 8 में आयोजित किया गया। तीसरा कार्यक्रम कम्युनिटी सेंटर 4 में और चौथा कार्यक्रम सेक्टर 3 में और 3 की मार्केट में और पांचवा कार्यक्रम पुराना बस अड्डा स्टैंड, छठा कार्यक्रम बिरला मंदिर चौक पर आयोजित करने के बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र के थर्ड गेट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में और इसी तरह पिहोवा में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि स्वदेशी जागरण मंच ने सांसद नायक सिंह सैनी में विधायक सुभाष सुधा को कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करवाने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। सांसद नायब सिंह में विधायक सुभाष सुधा को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री किया जाए ताकि कोरोना वैक्सीन बनाने में समर्थ प्रत्येक कंपनी कोरोना का वैक्सीन बना सके और जल्द से जल्द लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग सके। सांसद में विधायक ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा रखे गए विषय को केंद्र सरकार के पास भिजवाया जाएगा और इस विषय को लेकर अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कोई भी अवसर है स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा ये लोगों को एक अवेयरनेस के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर 12 जगह पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं जनता से अपील करूँगा कि जिस प्रकार से स्वदेशी जागरण मंच आ गया है, बहुत सी संस्थाएं भी आ गई हैं, सबको प्रेरित करें कि हर इंसान को वैक्सीन लगानी बहुत जरूरी है और वैक्सीन से अपनी लाइफ की सेविंग सेफ होता है। तो आज मैं कहूँगा जिस प्रकार से बहुत सी पार्टियाँ ये कहती थी, कांग्रेस पार्टी ने कहा, हाँ जी सपा पार्टी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाले वो अग्रसर हुए हैं, आपने देखा भी होगा। इसी अभियान के तहत विश्व जागृति सर्वसुलभ टीकाकरण अभियान के तहत क्षेत्र में 12 स्थानों पर हम इस तरह के जन जागरण अभियान कर रहे हैं और हमारा यही अभिप्राय है कि वैक्सीन जो है वो सबको मिले, सभी का अधिकार वैक्सीन हो और जब तक ये सबको वैक्सीनेशन नहीं होगा तो इस बीमारी से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए जैसा हमारे प्रांतीय जी ने बताया है कि हम एक हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में छेड़े हुए हैं, 15 लाख के करीब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। खबर नवा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।